निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। सो गाइस तुम्हारा भाई आ गया है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। और संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मैं आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह है मगहर, वहाँ पे संत कबीरदास जी ने अपनी समाधि ली थी। तो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस जगह है। तो आप लोग को चलिए वहाँ पे दिखाते हैं और काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं वहाँ पे चल के। और ये मेरे पीछे जो देख रहा है वो गेट है और ये गेट पड़ता है हाईवे पे, फैजाबाद और गोरखपुर हाईवे पे पड़ता है। यहाँ से गोरखपुर की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है। और यहाँ से जो खलीलाबाद यहाँ पे, यहाँ पास ही में पड़ता है, खलीलाबाद एक सिटी है, ये पास ही में पड़ता है, करीब 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए आप लोगों के लिए चलते हैं डायरेक्ट मगहर में, वहाँ पर दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत और अच्छी जगह है, काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस जगह है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर दो, तुम्हारे भाई का चैनल ज़्यादा सपोर्ट करते रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ मगहर के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे आने के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, चुपक चुपक ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय बस भी आ सकते हैं। और यहाँ का सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो गोरखपुर है, जो कि मगहर से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। मगहर से करीब 30 किलोमीटर गोरखपुर सिटी पड़ता है, वहाँ से एयरपोर्ट जितना दूर पड़ता हो। और फैजाबाद का जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर आप इजी वे में बताना चाहूँगा कि हर साधन से आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है, कबीरदास जी ने यहाँ पर समाधि ली थी और बहुत ही फेमस जगह भी है। और कबीरदास जी के नाम पर ही इस ज़िले का नाम भी पड़ा था, संत कबीर नगर। तो चलिए आप लोगों के लिए चलते हैं संत कबीर दास जी ने जहाँ पर समाधि ली थी मगहर में, और वहाँ पे दिखाते हैं। ये गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के मगहर में और यहाँ पर संत कबीरदास जी ने अपनी समाधि ली थी। तो आइए ले चलते हैं आप लोग को अंदर और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के बारे में। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आप लोग को अंदर ले चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस अभी मैं चलने वाला हूँ संत कबीरदास जी के मंदिर में जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। तो सीन कुछ ऐसा है यहाँ का, और आपको मंदिर में जाने के लिए किसी विशेष प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी चॉइस आपका। तो लाइन में लाइन आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, कुछ लिखा गया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि कभी सन
संत कबीर दास जी की मृत्यु कभी हुई थी ये सन लिखा गया है और डेट के साथ सब कुछ लिखा गया है। तो मंदिर के अंदर मैं लेके चलता हूँ समाधि स्थल के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक खड़ाऊ रखा गया है और बाकी ये समाधि बनाई गई है जिसपे हार वार चढ़ाया गया है। उसके बाद अंदर आप लोग देखिए ये संत कबीर दास जी की मूर्ति बनी हुई है, सॉरी एक फ़ोटो लगा हुआ है, दो तीन फ़ोटो है, एक इधर भी है और एक बीच में है। तो इसके बाद चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मज़ार पे, जो बाहर मज़ार है इसके जस्ट बगल में ही मज़ार है, तो उस वहाँ लेके चलते हैं आप लोगों को। गाइस जैसा कि हम लोगों ने और आप सभी ने पढ़ा है कि मतलब संत कबीर दास जी की समाधि और मज़ार दोनों अगल बगल में है, तो ऐसा इसलिए है कि ऐसा कहा जाता है कि जब संत कबीर दास जी की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों से कहा कि जब एक कमरे में मैं जा रहा हूँ, जब आवाज़ आएगी अंदर से तो आप लोग कमरा खोल देना। तो जब आवाज़ आई अंदर से, उसके बाद उन लोगों ने जब कमरा खोला तो उन्होंने पाया कि एक चद्दर और एक कुछ फूल थे। तो चद्दर जो था वो मुस्लिम अनुयायियों ने ले लिया और जो फूल थे वो हिंदू अनुयायियों ने। तो ये मज़ार जो है वो चद्दर उस पर चढ़ा था, इसलिए यहाँ पर मज़ार बना दिया। इसके जस्ट बगल में फूल चढ़ा के लोगों ने वो समाधि के रूप में एक मंदिर बना दिया। तो सीन कुछ ऐसा है यहाँ का, आप लोग देखिए अंदर का सीन कुछ ऐसा है। और इसके बाद ले चलते हैं आप लोगों को बाहर दिखाते हैं। गाइस इसके बाद चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर संत कबीरदास जी बैठकर साधना किया करते थे, वो मेरे पीछे दिख रहा होगा गुफा। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं गुफा के अंदर दिखाते हैं। और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी शांति है और बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। गाइस ये संत कबीर दास जी की गुफा जहाँ पे वो बैठकर अपनी साधना किया करते थे, काफ़ी नीचे है। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं अंदर। ये कुछ ऐसा सीन है और अंधेरा भी है लेकिन अंदर उजाला लग रहा है क्योंकि बल्ब वगैरह मुझको लग रहा है जल रहा है। तो चलिए नीचे ले चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं क्या है और आज भी क्या रखा गया है। तो काफ़ी नीचे बैठ के वो अपनी साधना किया करते थे। और ये देखिए यहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है जो कि संत कबीर दास जी की है। और मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे बैठकर वो साधना किया करते थे और काफ़ी शांति है यहाँ पर। इसके जस्ट बगल से एक अंदर जाने का द्वार है और निकलने का द्वार है। तो चलिए मैं निकलता हूँ बगल वाले रास्ते से। गाइस आइए इसके बाद आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे एक कबीर उद्यान है उसको दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं और भी सारी वैरायटीज़ के पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए वहाँ पर लेके चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। ये मेरे जस्ट सामने ही है लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बैक कैमरे से शायद दिख जाए। तो चलिए वहाँ पे आप लोग के लिए चलते हैं। गाइस ये कबीर उद्यान है और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ के आपको जड़ी बूटियाँ हैं, उसके बाद में फूल वगैरह के पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी छोटा कम स्क्वायर फीट में बना हुआ है लेकिन ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जड़ी बूटियाँ और फूल वगैरह के पौधे हैं। तो इसके बाद चलिए आप लोग को दिखाते हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। तो गाइस आप उस कबीर समाधि के थोड़ा सा आगे आएंगे, वो मेरे पीछे है कबीर समाधि, वहाँ से थोड़ा सीधा रोड निकला हुआ है, थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको यात्री निवास मिल जाएगा। ये जो मेरे पीछे है यात्री निवास है जो कि इसका कॉस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसी लगी वीडियो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और मैं वहाँ पर अकेला गया था तो मुझको काफ़ी नर्वसनेस फील हो रहा था बिकॉज चार पांच लोग ऐसे हमेशा घूरते रहते थे कि बंदा खैर क्या रहा है। तो यहाँ वहाँ पे मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अगर आप वहाँ पर विज़िट कर रहे हो तो वहाँ पर रहने और खाने की जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको वहाँ पर कोई पैसे पेड नहीं करने हैं। तो आप बिंदास जाइए, यहाँ से घूमिए फिरिए, रहिए एकदम फ्री में। तो और मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि ये जो जगह है ये नेशनल हाईवे से जस्ट सटा हुआ है और इजी वे में आप पहुंच सकते हैं वहाँ पे। जब आप खलीलाबाद से थोड़ा सा आगे जाएंगे 4-5 किलोमीटर तो आप लोगों को एक गेट मिलेगा, गेट से ही पता चल जाएगा कि ये मगहर है। तो वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, करीब 2.5 किलोमीटर। तो आई होप वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, अपना ख्याल जरूर रखना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में।